एमपी विधानसभा चुनाव की हलचल के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देपालपुर विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी मनोज पटेल के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। देखिए रिपोर्ट। एमपी विधानसभा चुनाव के लिए शुरू हुआ काउंटडाउन। देपालपुर विधानसभा पहुंचे सीएम शिवराज, भाजपा प्रत्याशी मनोज पटेल के समर्थन में जनसभा। विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए अब बस कुछ ही दिनों का वक्त बचा हुआ है। ऐसे में भाजपा प्रत्याशी मनोज पटेल के समर्थन में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने देपालपुर के गौतमपुरा नगर में आम सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश में फिर से भाजपा सरकार बनाने की बात कही और साथ ही उन्होंने क्षेत्र के विकास को लेकर मंच से कई घोषणाएं की। मैं भी कहता हूँ आई लव यू टू। ये मेरे संबंध दिलों के बच्चों से, भगवान कितना सौभाग्यशाली तू ने मुझे बनाया है। 1,32,00,000 मेरी लाडली बहना, करोड़ों करोड़ मेरे भांजे भांजी, सुन लो मेरे बेटा बेटी, मैं बहुत गंभीरता के साथ कह रहा हूँ, तुम्हारा भविष्य बर्बाद नहीं होने दूंगा। तुम्हारी पढ़ाई के लिए अब सीएम राय स्कूल बन रहे हैं, एक एक स्कूल की बिल्डिंग 40-40 करोड़ की बना रहा हूँ। अभी देपालपुर में सीएम राज स्कूल को आए, 10 और बनाऊंगा, 10 और सीएम राज स्कूल बनाऊंगा। हर 20 गांव के सेंटर में एक सीएम राज स्कूल, लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, प्ले ग्राउंड और बस रहने जाएगी, बस ही छोड़ने आएगी। प्राइवेट स्कूल से अच्छे स्कूल किसान और गरीबों के बच्चों को उपलब्ध कराएं। मेरे बच्चों पढ़ते जाना, चिंता मत करना। हम गांव में तो दूसरे गांव पढ़ने जाते हैं तो साइकिल पे 4,500 डालता हूँ। अगर बारहवीं में अच्छे नंबर लाते हैं तो मामा लैपटॉप दिलवाता है। और अब तो पहले नंबर पे अपने हायर सेकेंडरी स्कूल में आए तो एक बेटा और एक बेटी को मामा स्कूटी दिलवाता है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर से देपालपुर गौतमपुरा होते हुए इंगोरिया तक 4-लेन रोड के निर्माण से लेकर गौतमपुरा क्षेत्र में महाविद्यालय का निर्माण और एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा मंच से की। वहीं इस दौरान उन्होंने भाजपा की सरकार बनाना है, साथ ही भाजपा प्रत्याशी मनोज पटेल को जिताने का दावा किया। प्रदेश के हमारे मुखिया मुख्यमंत्री, बहनों के भाई, भांजियों के मामा आदरणीय शिवराज सिंह जी गौतमपुरा में आए और अभूतपूर्व कार्यक्रम हुआ। गौतमपुरा में इतना बड़ा आयोजन कभी नहीं हुआ, किसी दल का नहीं हुआ, किसी नेता का नहीं हुआ। आज शिवराज जी आए और उनका ऐसा कार्यक्रम हुआ और उन्होंने ऐसा कहा भी। आज गौतमपुरा में उन्होंने कॉलेज का कहा, आज गौतमपुरा में उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का कहा, आज गौतमपुरा में उन्होंने इंदौर से इंगोरिया तक 4-लेन रोड का कहा, सबसे महत्वपूर्ण चीज़। और इसके अलावा एक नर्मदा लाइन और देपालपुर विधानसभा को देने का कहा, दोनों नदियों पर स्टाफ डैम बनाने का कहा। आज कई सारी चीज़ें कहकर गए हूँ और शिवराज जी ने कहा है और मुझे भरोसा है कि मैं शिवराज जी ने कहा है तो मैं तो उनसे लेकर के आ ही जाऊँगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और ये सारी चीज़ें तो करेंगे ही हम। इसके अलावा खेतों को सड़कों से भी जोड़ेंगे। आज के इस आयोजन के बाद में कांग्रेस खत्म, कांग्रेस मुक्त देपालपुर। बिल्कुल निश्चित रूप से आज जो शिवराज जी ने कहा और जनता जनार्दन का प्रेम मुझे आज देखने को जो मिला, मैं जनता के बीच में गया तो जनता ने मुझे हाथों हाथ उठा भी लिया, सिर पे बिठा लिया। मैं उनको प्रणाम करता हूँ और उनके उत्साह से मेरा उत्साह है। मैं देपालपुर विधानसभा की जनता को हृदय से प्रणाम करता हूँ। बता दें कि भाजपा ने 5वीं बार देपालपुर विधानसभा सीट से मनोज पटेल को मौका दिया है, जहां वो 2 बार जीत दर्ज करवा चुके हैं तो वहीं 2 बार उन्हें हार का सामना भी करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, देपालपुर।